आप ना होते तो हम भी ना होते। तो भाई आज की जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल ग्रेट मौलाना वीडियो का टाइटल है। पंडित जी की वीडियो को भी आप एंड तक जरूर देखेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज आपसे एक विनती है, हमारे वीडियोस को, पिछली वीडियोस को भी प्लीज जरूर देखिएगा बिल्कुल, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हम आपके लिए सिया के नाम की सीरीज हमने आपको पता स्टार्ट की हुई थी पहले, लेकिन हमने वो कुछ रीजन की वजह छोड़ी थी, लेकिन अभी वो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो वो जिसको चैनल का नाम है और उसका लिंक आपको सर्च कर दीजिएगा आप, तो वहां पे जाके हमारी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो फिर आज की वीडियो देखते हैं। किस मुल्क के कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा? हमारे मुल्क में ज्यादा है। हमारे मुल्क में ज्यादा है सर। कैसे? वो कैसे है कि वो इंडिपेंडेंट है। लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। मगर क्यों? चूतिए हो तुम दोनों। हमारा कश्मीर उससे आपसे बेहतर है कि हम उधर कम से कम अपने इज्जत से जीत हो रहे हैं, इज्जत से रोटी कमा रहे, खा तो रहे हैं ना। सबर करो, हम भी इज्जत से खा रहे हैं, हमको मांग तो नहीं रहे। चलो भाई, आप समझेंगे शायद कि मांगने आया तो मैं मांगने नहीं आया, मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये पाकिस्तानी मदरसे छाप चचा भारत के अंदर 34 आजादी की तहरीके चलवा रहे हैं, जबकि भारत में इतने सूबे भी नहीं है। कोई सेंसेस बात? ये भारत को 34 टुकड़ों में करना अच्छा? चाहता है, और ये इसकी आसमानी ख्वाहिश, इसकी आसमानी ख्वाहिश आज हम पूरी करते हैं। समझ रहे हो? तो चलते पाकिस्तान। चलो 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 जल्दी जल्दी। सर आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्राइसिस, तो हमें नजर आ रहे हैं इन क्राइसिस के दरमियान भी हम चाहते हैं हमें कश्मीर मिले। यूएन के अंदर कश्मीर का मुद्दा छेड़ देते हैं। सर आपको क्या लगता है कि कश्मीर अभी तक हमें मिला नहीं है, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। देखिए जी, कश्मीर ऐसे नहीं मिल सकता, जब घर में हमारे इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं तो हम बाहर किससे क्या लड़ेंगे? हम तो आपस में लड़ रहे हैं और वो हमें लड़ाया जा रहा है। कौन लड़ा रहा है? और सवाल आपसे ये है, अगर हम बात करें जो इंडिया के पास कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होगी किस मुल्क के कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा? रुको जरा, हमारे मुल्क में ज्यादा है। यार ये तो एक मजाक कैसे किया अंकल? वो कैसे है कि वो इंडिपेंडेंट है? ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। हाँ, इनका पीओ के आजाद है, मस्त जोक मार रहे। थोड़े दिन पहले तो वहाँ का जो तथाकथित पीएम है वो रो रहा था पैसों के लिए। यार ये इनकी वीडियो देखी थी हमने। अब मुझे ये बताओ कि साल के 3000 रुपए दे रहे, इस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती? ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये जो अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई? वो इसलिए कि उनको जो बेसिक नीड है वो भी नहीं मिल रही है पाकिस्तान से, और दुनिया के सामने आके उनको रोना पड़ा। जब तुमसे अपना पीओके ही नहीं संभल रहा है, तब तुम हमारे कश्मीर का क्या करोगे लेके भाई, भूखे नंगो? नहीं, डेवलपमेंट देखो, आजादी होगी, डेवलपमेंट होगी ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर डेवलपमेंट आजादी ना तो डेवलपमेंट कैसे? हमारे पास भी तो आजादी है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है। देखिए वो आप फिर उसी बात से मैं पहले आपको जवाब दे सकूं, उसमें सब ने इसका बेरा करके ना हिस्सा डाला है। सवाल तो यही है ना कि किस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा है? कब्जा कश्मीर में इसलिए है कि उधर डेवलपमेंट नहीं है, उधर सिर्फ समझे बदमाशी है इंडिया की। झूठ बोलो। हमारा कश्मीर उससे ऐसे बेहतर है कि हम उधर कम से कम अपने इज्जत से जीत हो रहे हैं, इज्जत से रोटी कमा रहे, खा तो रहे हैं ना, हम भी इज्जत से खा रहे हैं, हमको मांग तो नहीं रहे। चलो भाई, आप समझेंगे मान लिया कि उनके पास आजादी नहीं है, सब कुछ उधर तंग है, लेकिन सर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मैं आपको बता दी चलूँ, वहाँ पर लार्जेस्ट सिनेमास, ब्रिज, उसके अलावा सर 5G, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बसेस, कार्स, और सर सबसे बड़ी बात G20 की मीटिंग वहाँ पर रखवाई गई है। सर क्या समझते हैं? मोदी जी, अगर 370 का आर्टिकल हटने के बाद की हम देखें तो ये सारा कुछ तब आया है। सर एक आखिरी आखिरी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये सब कुछ तब आया है इंडिया के कश्मीर के अंदर जो उनके पास है। सर क्या समझते हैं कि इंडिया अब ये मानता है कि कश्मीर उसका पार्ट है और वो सारी फैसिलिटीज दे रहा है ताकि कश्मीरी उनके साथ हो जाए? नहीं, ये सारा गलत है। देखो बदमाशी में जो मर्जी मार ले, कर्फ्यू लगा के आप जितनी मर्जी पेटिंग कर ले, जिसको मर्जी बुला ले। अबे साले, वाह क्या कॉन्फिडेंस है, झूठ बोलता मन। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स, काफी कम स्टूडेंट करता है। कर्फ्यू लगा के चाहे जितनी मीटिंग करा ले। अरे मेरे भाई, कश्मीर तुम्हारे पाकिस्तान से भी ज्यादा आजाद है। समझ में आया? जितनी आजादी तुमको नहीं है, उससे ज्यादा कश्मीरी आजादी के साथ घूमते हैं। समझ में आया? कुछ भी बोले जाते हैं। इंडिपेंडेंट आजाद है ना, तो क्या कर रहे हैं? ये नहीं होता आप गन पॉइंट पे उनसे जो मर्जी करवा ले। चड्ढा समझाओ इसे।
समझा। ऐसे तो मामले नहीं चलते, अगर आज आप अपना 20 लाख फौजी हटा लें तो कश्मीर का हाल देखना क्या होता है। उधर आए ना औकात पे, लो एक और लाहौरी चूरन, 20 लाख फौजी हटा लो। अगर ये पाकिस्तानी अगर फैक्ट और लॉजिक पे बात करे तो फिर इन्हें पाकिस्तानी कौन बोलेगा। बात तो सही है। अरे मेरे मदरसे छाप चाचा, टोटल 130,000 सैनिक वहाँ पे, जिनमें से लगभग 80,000 सेना की सुरक्षा के लिए तैनात है, जहाँ से तुम अपने आतंकवादी भेजते हो उन्हें ठोकने के लिए। बाकी 40,000 से 50,000 राष्ट्रीय राइफल्स भीतरी कश्मीर के अंदर मौजूद है, ताकि जो तुम्हारे ट्रेंड किए हुए जिहादी घुस आते हैं उनको ठोकने के लिए। राष्ट्रीय राइफल नाम सुना, बस वो तैनात है भीतरी कश्मीर कंट्रोल करने के लिए, ऐसे मतलब आतंकवाद रोधी अभियान चलाने के लिए। और आतंकवाद कौन भेजता कश्मीर में, अक्का पब्लिक को मालूम है। तो चाचा ये तो आपको चले पता ही है। और बहुत अहम सवाल, आप मुझे बताइएगा जिस मुल्क के अंदर 30 से 50 के दरमियान जो है कि लो हर चीज मिल रही है, हर फैसिलिटीज मिल रही है, और एक मुल्क के अंदर 200 से 500 के दरमियान मिल रही है, सर कौन से खुश रह रहे होंगे खाने? सर बेड से बड़ी जंग किसी और चीज की जंग है नहीं है, लेकिन देखें आपको पता है इंडिया में इस समय 34 तहरीकें चल रही है। अच्छा? आजादी की पता है आपको, कब हो गया ये आपके इलम में होगा इलम में। और उसके अलावा जितनी गुर्बत उधर इतनी नहीं इधर है, उधर 1 अरब से ज्यादा आबादी है, 1 अरब 1.5 अरब के करीब है, बादी है? हमारी आबादी 2 करोड़ है, हमें सिर्फ मैनेजमेंट से ही हो रही, हमारे ये लीडर मुखलस नहीं है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट मुखलस नहीं है। भारत में 34 तहरीके चल रही है जबकि भारत के अंदर 34 सूबे भी नहीं है और भारत में गुर्बत भी ज्यादा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ज्ञान आपको सिर्फ आसमानी किताब पढ़ने से ही मिल सकता है। अच्छा? और इस आसमानी ज्ञान ने इनके दिमाग का कर दिया भेजा फ्राई, इनको सच्चाई में और भ्रम में कुछ फर्क ही नहीं पता है। कहते रहे पाकिस्तानी जाहिल, और जहालत ना दिखाए तो वो कैसा पाकिस्तानी? भाई वो सच्चा पाकिस्तानी नहीं है, उसमें पाकिस्तानियत ही नहीं है, काफिर है वो, कन्वर्टेड मुस्लिम भी नहीं है। कहा है कि वहाँ हमसे ज्यादा जो है बेरोजगारी है या फिर हमसे ज्यादा गुर्बत है, सर मुझे एक बात बता दें कि 5वीं बड़ी मौसियत कैसे बन गया फिर वो? पुलिस पता लगा रही है उसकी, चूंकि मार्केट बड़ी। अच्छा। है देखिए आप देखें मार्केट बड़ी है, आप छोटी सिंपल मिसाल ले लें, हमारे इधर सैलमन इंडस्ट्री खत्म हो गई है और अरूज पे है, क्या वजह है? क्योंकि मार्केटिंग बड़ी है और जो बड़े मुल्क प्रेफरेंस करते हैं उसे मार्केट की वजह से करते हैं। सर यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वहाँ पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर, जो जॉब की रेशियो है वो ज्यादा होगी, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगे, तो सर कैसे गुर्बत रहेगी? अगर हम गूगल सर्वे भी कर ले ना सर, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल जहाँ पे हम सर्च इंजन है सर, हम गूगल भी देखते हैं तो पाकिस्तान की 1/3 वहाँ पर गुर्बत नजर आती है उनकी आबादी के मुताबिक। सर फिर यहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, रेशियो निकाला गया तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो गुर्बत भी होगी। ये आपने आखिरी पॉइंट नंबर से उन्हें उलझा कर रखा हुआ है। आप अभी देखें मुंबई देख लें, दिल्ली शहर देख लें, अभी उनका वो अपनी असली चीज़ नहीं खाते, उनका देखें उनके फुटपाथों पे सोते हैं, पूरी पूरी फैमिली सोती है, नहाते वो नलकों पे सरकारी, और इतना उधर बुरा हाल है, लेकिन क्यों क्या वजह उसका मीडिया उसे हाईलाइट नहीं करता? चचा का आसमानी इल्म लाजवाब है भाई। खैर चचा ने जो बातें कही कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पुरानी मुंबई जो सिटी है वहाँ पे आज भी काफी लोग, खासतौर से मजदूर करने वाले लोग, क्योंकि मुंबई के अंदर जगह नहीं है तो वो फुटपाथ के ऊपर ही सो जाते हैं, अपनी रात गुजार लेते हैं, फिर अगले रोज फिर काम पे लग जाते हैं और नहाते भी सरकारी नल के नीचे, तो ये भी ठीक ही है भाई। क्या बोले आप, ये तो चाचा ने कुछ बात सही बोली है, ये तो मेरी आंखों का देखा हुआ, तो मैं चाचा की बात मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये छोटी सी मिसाल, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, हम लोग वो चीज देख रहे हैं जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी थी। सर आज आप एक दफा रिसर्च करके देख लें, आर्टिकल्स पढ़ के देख लें सर, ज्यादा नहीं तो आप गूगल करके देख लें नहीं। सर 5वीं बड़ी मौसियत है, इवन दुनिया के सर मुझे बताएं सऊदीया किस मतलब इस्लामिक मुल्क है? बिल्कुल है सर, 4th बड़ा ट्रेडर पार्टनर है इंडिया का। सर चाइना, सर चाइना G20 की मीटिंग के अंदर कल गया हुआ था। सर दुनिया भर के जितने ममालिक है सर उनके साथ ट्रेड करें, फिर कैसे गुर्बत होगी? आप बोल ले मैं। बिल्कुल नहीं गुर्बत, आप फिर वही बात आ जाती है, देखिए सारे माल उधर है, मार्केटिंग का मामला। अरे अनम शेख ऑफिशियल, ये मानेगा ही नहीं, मैं लिख के देता हूँ ये पक्का पाकिस्तानी है, ये नहीं मानना भाई, क्यों सर फोड़ रही हो बीवी, दूसरा ढूंढो। आखिरी सवाल है मेरा, इस सारे सिनेरियोस के अंदर जो हमारे बाबा नहीं मानता है और दिन प्रतिदिन ज्यादा हो रहे हैं, अगर डॉलर के रेट बात करें सर, अगले से आप किसी और 5 रुपीज का हो गया सर, अगर हम बात करें क्या लगता है कि हमें अपने आस पड़ोस ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करके ट्रेड करनी चाहिए या अभी भी हमें एड पे रहना चाहिए? नहीं नहीं, हमें अपने आस पास मिलजुल के उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन बात वही आ रही है हमारे सर पे अमरीका का डंडा है। आप और मैं जितनी मर्जी बातें कर लें, ये ना आपने इसमें से कई काटा वगैरह चलानी नहीं है और कहीं आगे जानी नहीं है, तो इस तरह तो नहीं मसला चल रहा, जब तक आवाम नहीं उठेगा कुछ नहीं होगा।
चाचा ने तो अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी। पहले जहाँ हालत दिखा रहा था, लास्ट में आते 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 कुछ सही हुआ। वैसे तो मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तान के लोगों की बातों के अंदर लॉजिक और फैक्ट मिल जाए या उसको ढूंढना अपने आप से बेईमानी है। ठीक है, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, भर दीजिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये थी आज की वीडियो, तो भाई देख ही लिया। पाकिस्तान के मतलब एक अंकल है जो कि रियलिटी को ना, मैं समझती हूँ अगर आप में कोई खामी है ना तो उसको मानना चाहिए। ये नहीं है अभी बोल रहे हैं कि कश्मीर है वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब अभी सोहेब वहाँ पे गए हैं, क्या उनके हालात, कोई उनके हालात नहीं है ना उनका, महंगाई तो उधर आपको कश्मीर की बात अगर करें तो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में भी बात कर रहे थे कि अगर कश्मीर जो है उधर ज्यादा डेवलपमेंट आई है, पाकिस्तान वाले कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट है, तो उधर वैसे देखें कि अगर जैसे कि अगर पाकिस्तान में है महंगाई, अगर आम शहरों में लाहौर में है तो कश्मीर में भी जाहिर सी बात है महंगाई होगी उधर भी, और अगर इंडिया के जो आम शहर हैं दिल्ली मुंबई हैं, अगर उधर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, तो वो जाहिर सी बात है जो कश्मीर में चीज़ें वो भी इंडिया से ही जाती है ना, तो उधर भी बिल्कुल ऐसी सस्ती होगी, तो लोग वहाँ भी खुशी होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट भी वो करे ना काफी ज्यादा। मैंने देखा है कि वो एक दुनिया का सबसे वो ऊंचा ब्रिज है, वो भी उन्होंने वहां पे बनाया है, वो कितना उन्होंने कमाल कर दिया है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम साइड पे देखते हैं यहाँ पे तो कोई फैसिलिटीज, बेचारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, मतलब उनके लोगों को पढ़ने के लिए जरा दूर जाना पड़ता है, फैसिलिटीज नहीं उनको दी जाती, तो मतलब ये पाकिस्तान के लोग जो है ना इनको भी रियलिटी का पता नहीं, मुझे लगता है इनको एक दफा तो ये कभी कश्मीर गए नहीं होते ना ही इनको ग्राउंड रियलिटी का पता होता है, जब तक जाना चाहिए आपको जाए जाके वहाँ पे सिचुएशन देखनी आपको चाहिए पता चलता है ना, ऐसे लेकिन तो खुद से अंदाजे लगाते हैं। इंडिया की बात करें तो वैसे पिछले कुछ सालों में आप सबको ही पता होगा कि काफी ज्यादा उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी मौशियत बनी है, और भी बहुत सी चीजों में उन्होंने इंप्रूवमेंट लाई, क्योंकि इंप्रूवमेंट कैसे वो लाया, उन्होंने अपनी खामियों को देखा कि हमें ये खामियां हैं, नहीं पहले माना कि यार हम में है, हम हमारा मुल्क इतना आगे नहीं जा, लेकिन फिर उन्होंने मान के उन्होंने ठीक किया उनको, आपको ट्रेनें भी उन्होंने इतनी ज्यादा यार चलाई, उन्होंने ये देखा महंगाई को कंट्रोल किया, से जो खरीदते हैं वो क्यों ना हम अपने कंट्री में बनाए, ये बहुत अच्छी चीज है, और इतनी बड़ी टाटा जैसी इतनी इतनी बड़ी कंपनी गाड़ियां बनाने वाली और भी खाने पीने की चीजें बनाने वाली इतनी बड़ी कंपनी है जो इंडिया में है वहां ही स्टार्ट कर इन्वेस्ट कर रही है, इतनी बढ़िया इन्वेस्ट करके उनको पता है उनको, और डॉलर के इतने ज्यादा इनके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ही ज्यादा पैसे हैं जो यहाँ पाकिस्तान के बाद खत्म हो रहे हैं, उनके पास और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो देखेंगे आप मेहनत है, बिल्कुल मेहनत का सिला मिलता ही मिलता है, आप अगर मेहनत करते जाएंगे पिछले कुछ सालों से देखा ना कि इंडिया मेहनत कर रहा था लेकिन अभी आकर उनकी मेहनत का उनको फल मिला है, और काफी ज्यादा वो आईटी में अगर उनका देखा जाए तो कितना ज्यादा आगे बढ़ गया, एजुकेशन में उन्होंने इन्वेस्ट किया, यही तो है कि एजुकेशन में उन्होंने इन्वेस्ट किया और आईटी उधर से उनको मिली है, मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा दफा बोलते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना वो उनकी जो माएं थी उन्होंने अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को तलीम दिलवाई कि हमारे बच्चे पढ़े, यही हमारा जेवर है, तो बिल्कुल यही है, तलीम ऐसी एक चीज होती है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपको एक बाशऊर इंसान बनाती है, आपको बाइज्जत इंसान बनाने में बहुत उसकी मदद होती है कि आपको कैसे एक माशरे में रहना है, तलीम बहुत ही हेल्पफुल होती है जिंदगी में, बिल्कुल आईटी तो आईटी में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऐसी मतलब सीखने की जरूरत है, बिल्कुल अपनी गलतियां पहचान करो, पता नहीं क्यों पाकिस्तानी मानते नहीं है, मान जाए तो ये कंट्री भी कहीं आगे चला जाए, तो ये थी आज की वीडियो, आपकी कैसी लगी, आपकी क्या रहा है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, बिल्कुल और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके कमेंट देखते हैं और आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो मिलते हैं आज के दिन, बाय।